नमस्कार, मैं हूं अर्चना कौशल और आप देख रहे हैं विकासशील हरियाणा, जिसमें आज बात टीबी मुक्त हरियाणा की करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने देशभर में सबसे पहले हरियाणा को टीबी मुक्त करने का संकल्प लिया। गरीबों के स्वास्थ्य के प्रति सजग मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कई जरूरी कदम उठाए, जिसमें प्राइवेट अस्पताल, सामाजिक संस्था और उद्योग धंधे से जुड़े लोगों की मदद ली जा रही है। ऐसे लोग जो समाज के हित में काम करना चाहते हैं, उनसे टीबी मरीजों की हर संभव मदद करने को कहा जा रहा है। ऐसे टीबी के मरीज जिन्हें गरीबी की वजह से पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता, उन तक पौष्टिक आहार पहुंचाने की अपील की जा रही है। 15 सितंबर 2022 को हरियाणा के राज्यपाल और स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों से टीबी मरीजों को गोद लेने का आह्वान किया था और इसका बेहद सार्थक परिणाम देखने को मिला। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए खुद राज्यपाल, मुख्यमंत्री मनोहर लाल और स्वास्थ्य मंत्री ने कई टीबी मरीजों को गोद लिया था, जिन्हें पोषण किट उपलब्ध करवाए गए। तो चलिए, विकासशील हरियाणा के जरिए आज टीबी मुक्त हरियाणा के बारे में जानते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2025 तक देश को टीबी मुक्त करने का संकल्प लिया है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस लक्ष्य में सारथी बने हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल। देश में सबसे पहले हरियाणा को टीबी मुक्त करने का बीड़ा उठाया गया और इस दिशा में सामाजिक संस्थाओं की मदद ली जा रही है, जो कि एक जरूरी कदम है। देखिए इसी पर रिपोर्ट। एक स्वस्थ समाज के निर्माण में कुम्हार की भूमिका निभा रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने कार्यकाल में स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे गरीब परिवारों को नया जीवन दान मिल रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि टीबी एक गंभीर बीमारी है, जिसका अगर सही समय पर इलाज नहीं मिला तो कई बार मरीज की जान पर भी बनाती है। लेकिन टीबी अब लाइलाज बीमारी नहीं रही है। समय पर पौष्टिक खाना और दवाइयाँ टीबी के गंभीर से गंभीर मरीज को जिंदगी लौटा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को साल 2025 तक टीबी मुक्त करने का संकल्प लिया है। प्रधानमंत्री मोदी के इस संकल्प को साकार करने में जुटे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने देश भर में सबसे पहले हरियाणा को टीबी मुक्त करने का प्रण लिया है। इस दिशा में मनोहर लाल की ओर से कई कदम उठाए गए हैं, जिसमें सामाजिक संस्थाओं का भी सरकार को भरपूर साथ मिल रहा है। भाई बहनों, जैसे आप जानते हैं कि टीबी जो है कभी ये लाइलाज बीमारी मानी जाती थी, लेकिन अब ये लाइलाज बीमारी नहीं है। इसको सही उपचार के लिए हम अगर प्रयत्न करेंगे तो इसका इलाज ठीक से हो सकता है। शर्त एक ही है कि इस इलाज को बीच में नहीं छोड़ना होता, बल्कि इसको लगातार चलाए रखना होता है। आप सबने भी इसका अनुभव किया होगा। आपको ध्यान में है कि माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत चिंतित थे। उन्होंने 2018 में ये घोषणा की थी कि भारतवर्ष को 2025 तक टीबी मुक्त ये किया जाएगा, ऐसा संकल्प लिया और प्रधानमंत्री द्वारा ये तय किया गया जो लक्ष्य है उसके अनुरूप हमने भी हरियाणा को 2025 तक टीबी मुक्त करने का जो एक संकल्प लिया है। आप जानते हैं कि टीबी के जो रोगी हैं उनकी यानी उनके आहार की आवश्यकता ये बाकी लोगों से ज्यादा होती है, और खास करके ऐसे परिवार जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है उनको आहार उपलब्ध कराने के लिए हम सबको हम प्रयत्न करते हैं। इसमें बहुत से समाज सेवी और वो आगे आए हैं, और मैं टीबी रोगियों को विश्वास दिलाता हूं कि आपको इस पोषण की या उपचार संबंधी कोई भी दिक्कत ना आए, इसके लिए हम लगातार विभिन्न संस्थाओं और समाज सेवकों की मदद से ये प्रयत्न करेंगे। गरीबों के हित में प्रदेश सरकार के काम पर भले विपक्ष सवाल खड़े करता रहे, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल पोर्टल के जरिए टीबी के उन गरीब मरीजों तक मदद पहुंचा रहे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और इसकी वजह से उन्हें पौष्टिक खाना नहीं मिल पाता है। सरकार की ओर से टीबी मरीजों की मदद करने वाले को निक्षय मित्र की उपाधि से सम्मानित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल टीबी मरीजों से अपील करते नहीं थक रहे कि अगर आपको पौष्टिक किट की जरूरत है तो जिलाधिकारी के पास जाकर सरकार की योजना का लाभ ले सकते हैं। हमने टीबी रोगियों की मदद करने के इच्छुक जो संस्थाएं हैं, जो कंपनियां हैं, उनके लिए एक पोर्टल भी बनाया है। उस पोर्टल का नाम है communitysupport.ni निक्षय, communitysupport
www.niksha.in ये बनाया है। विभिन्न संस्थाएं और व्यक्ति विशेष तौर पर जो भी टीबी रोगियों को पोषण सहायता देना चाहता है वह इस पोर्टल पर जाकर के स्वयं लॉग इन करके अपनी आईडी बनाकर पंजीकृत करा सकता है। इन्हें निक्ष मित्र ये कहा जाएगा। अब तक इस पोर्टल पर ऐसे लगभग 1500 निक्ष मित्र ये पंजीकृत हो चुके हैं। निक्ष मित्र पंजीकरण के बाद जिला टीबी अधिकारी उन्हें रोगियों की सूची देता है जिन्हें पोषक आहार की जरूरत है और रोगी को पोषक आहार किट मिल जाती है। हरियाणा को टीबी मुक्त बनाने में प्राइवेट अस्पताल और उद्योग धंधे से जुड़े लोग भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से टीबी मरीजों को 500 रुपए प्रति माह पौष्टिक आहार के लिए दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अभी तक पोषण भत्ते के रूप में 80 करोड़ रुपए टीबी के मरीज को दिए जा चुके हैं। राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत टीबी से जुड़े इलाज के लिए 91 करोड़ 49 लाख रुपए दिए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल टीबी के मरीजों से ये अपील कर रहे हैं कि बिना डॉक्टर से सलाह लिए दवा खाना नहीं छोड़ें। खुशी है कि एक माह के भीतर कई कंपनियों ने इस कार्य में बढ़ चढ़ करके सहयोग किया है। पानीपत रिफाइनरी ने भी सीबी नॉट मशीन, एक मशीन है, इसका देने का जो प्रशासनिक कार्य किया है। बहुत महंगी मशीन ये आती है। विभिन्न जो हमारे कॉरपोरेट कंपनियां हैं इन्होंने भी 13 जिलों में टीबी मुक्त बनाने के लिए 13 जिलों को गोद लिया है, जिसमें राइट्स है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, मैनकाइंड है, एस्कॉर्ट्स है, हीरो है, कृष्णा मारुति, जिंदल आदि, ये सब शामिल हैं। और जैसा डॉक्टर साहब ने बताया ही है कि मेदांता अस्पताल तो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेदांता अस्पताल ने भी, डॉक्टर त्रेन ने भी 2 जिले यमुनानगर और करनाल इनमें भी टीबी मरीजों की जांच के लिए मोबाइल वैन ये दी है। इसके द्वारा सघन खोज अभियान चलाया जा रहा है ताकि एक ही घर में जाकर के हम जो टीबी मरीजों को खोज सकें। इसी प्रकार रेवाड़ी जिले में बीडी कंपनी द्वारा मोबाइल वैन की मदद से टीबी के नए रोगियों की जांच की जा रही है, जिसे संकल्प प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है। तो ऐसे जो विभिन्न संस्थाएं हैं और जो अस्पताल हैं उन्होंने कुल मिलाकर 1788 टीबी रोगियों को और ये गोद लिया है। टीबी रोगी इसको जो इलाज के दौरान हर महीने 500 रुपये पोषण भत्ता ये जो दिया जा रहा है, जो उनके आहार के अंदर काम आता है। अब तक पोषण भत्ते के रूप में लगभग 80 करोड़ रुपए सीधे टीबी रोगियों के बैंक खाते में दिए जा चुके हैं। इन्हें मिलाकर जो राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम चलाया जा रहा है, इसकी जो विभिन्न योजनाएं हैं, टीबी रोगियों को अब तक 91 करोड़ 39 लाख रुपए ये हरियाणा सरकार द्वारा दिए जा चुके हैं। टीबी का इलाज महंगा होता है, लंबे समय तक चलता है। आमतौर पर लोग थोड़ा आराम आने पर ही अपने आप को स्वस्थ मानकर इलाज बंद कर देते हैं, लेकिन जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि इसको बंद नहीं करना है। इस कारण ये बीमारी जो कई बार व्यापक रूप धारण कर लेती है, इसी कारण केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत न केवल टीबी का इलाज मुफ्त करने का प्रावधान किया बल्कि इससे बचाव और निरंतर इलाज के लिए लोगों को जागरूक भी किया है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप भी डॉक्टर की सलाह के अनुसार अपनी जाँच ये करवाते रहें। जिनकी दवाई चल रही है वे इलाज को बीच में न छोड़ें, तब तक दवाई लेते रहें जब तक डॉक्टर इसे बंद करने को न कहे। हरियाणा को टीबी मुक्त करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गांव और झुग्गी झोंपड़ी में जागरूकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से टीबी के मुफ्त जांच के लिए 350 बलगम जांच केंद्र खोले गए हैं, 80 मॉलिक्यूलर प्रयोगशालाएं खोली गई हैं, 2 कल्चर प्रयोगशालाएं खोली गई हैं। सभी स्वास्थ्य केंद्र पर टीबी का मुफ्त इलाज और दवा उपलब्ध करवाई गई है। इतना ही नहीं, टीबी के मरीज प्राइवेट अस्पतालों में भी इलाज करवा सकते हैं। न कहें, इसी प्रकार आसपास आपका इस बीमारी का जो कटु अनुभव, इसके लिए इसके बारे में मैं अपने आस पड़ोस के लोगों और जो भी रोगी हैं उनको और किस प्रकार से वो आगे बढ़ सकते हैं, हम लोग उनको जागरूक करें और ये जानकारों को जागरूक करने का एक माध्यम हम जरूर अपनाएं। हमारा प्रयास है कि टीबी जागरूकता अभियान और उन्मूलन अभियान की पहुंच गांव-गांव और झुग्गी झोपड़ी इसके अंदर होनी चाहिए। हमने हरियाणा में टीबी का मुफ्त जांच के लिए 350 बलगम जांच केंद्र और 80 मॉलिक्यूलर प्रयोगशालाएं और 2 कल्चरल प्रयोगशालाएं ये स्थापित किए हैं। मुफ्त इलाज में हर ब्लॉक पर टीबी यूनिट का निर्माण किया गया है और प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र
तथा आयुष्मान भारत हेल्थ और वेलनेस सेंटर पर भी टीबी की दवाएं और ये जो है मुफ्त उपलब्ध कराई जा रही है। कोई भी व्यक्ति जिसे 2 सप्ताह तक खांसी हो वह इन जांच केंद्रों और स्वास्थ्य केंद्रों पर जाकर अपनी निःशुल्क जांच ये करवा सकते हैं। हमारा लक्ष्य है कि आपको घर के बिल्कुल नज़दीक टीबी का इलाज मिले और इसलिए हमने टीबी के रोगियों की देखभाल के लिए प्राइवेट डॉक्टरों और अस्पतालों को भी जोड़ा है। आप उनके पास ही अपना इलाज मुफ्त करवा सकते हैं। प्रदेश में वर्ष 2022 में 75,730 टीबी रोगियों की पहचान की गई थी जिसमें 40,276 रोगी अभी भी उपचाराधीन हैं। प्रदेश में टीबी हारेगा देश जीतेगा, इसी सोच के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साल 2025 तक टीबी फ्री हरियाणा का प्रण लिया है और इस दिशा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल को तेजी से सफलता भी मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। मनोहर सरकार प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर आए दिन खुद को शाबाशी देते नहीं थक रही। सरकार का ये दावा है कि बीते 8.5 साल में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने को लेकर कई सराहनीय कदम उठाए गए जिसका सीधा फायदा आवाम को मिल रहा है और खासकर उन लोगों को जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं। इसी पर देखिए रिपोर्ट। देश में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सरकार बने करीब 8 साल हो चुके हैं और इन 8 सालों में मुख्यमंत्री मनोहर लाल को जब भी मौका मिला है वो इस बात का जिक्र करना नहीं भूलते हैं कि उनके शासन काल में बीमार अस्पतालों का इलाज कर जन सेवा के लिए तैयार किया गया है ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति को बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल सके। कितना बड़ा प्रकल्प शुरू किया आयुष्मान भारत का, हमारे 14 लाख परिवार और ऐसे रह गए जिनको उसकी जरूरत थी, उसका हरियाणा स्टेट ने किया चिरायु हरियाणा बना करके कि हर परिवार को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य का बीमा। लेकिन आज कोई गरीब परिवार जिसके घर में मानो उसके इलाज के लिए एक परिवार का सदस्य उसका कोई इलाज कराना है, पैसा नहीं है, तो किसी भी सरकारी अस्पताल अथवा प्राइवेट 650 अस्पताल प्राइवेट भी हैं जिनकी एम्पैनलमेंट हुई है, उन 650 अस्पताल में कहीं जाके इलाज कराए उसका 5 लाख रुपए तक का पैसा ये सरकार देगी। तो भाई बहनों, मैं तो एक ही बात कहता हूं कि आप सबका सहयोग अगर निरंतर जैसे मिल रहा है ऐसे मिलता रहेगा तो किसी मामले में हरियाणा पीछे नहीं रहेगा। हरियाणा हर चीज में आगे होगा। शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सुरक्षा है, स्वाभिमान है, स्वावलंबन है, 5 S पर काम करने वाली सरकार आपके साथ हमेशा खड़ी है। आधी रात को भी आप पुकारेंगे तो हम आपके साथ आएंगे। मनोहर लाल का साफ मानना है कि सरकार की योजनाओं पर पहला हक गरीब का है जो खुद का इलाज कराने में सक्षम नहीं है। कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि बड़ी बीमारी में गरीब परिवार अपना सब कुछ खो बैठता है, जमीन मकान गिरवी रखने पर मजबूर होता है। अपनों की जिंदगी बचाने में सिर पर कर्ज का बोझ इतना बढ़ जाता है कि बीमारी से गरीब बाद में मरता है, आर्थिक तंगी से पहले मर जाता है। लेकिन अब मनोहर राज में ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब किसी गरीब को इलाज के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। कभी भी कोई गंभीर बीमारी या कोई चोट या किसी प्रकार का कोई ऑपरेशन जब वो कराने की बारी आती है तो हमेशा एक उसके सामने डॉक्टर के द्वारा चिट्ठा पकड़ा दिया जाता या इलाज कराने जाता उसको पता ही नहीं लगता कि कितना खर्च इस पर आएगा कितना नहीं। अब एक मरीज अस्पताल के बेड पर चला गया है, अब वो बिना इलाज कराए वापस भी लाना उसके लिए संभव नहीं है। मन में उसके एक भावना भी है कि इसका इलाज होना चाहिए, कैसे भी होना चाहिए। सहायता कभी कभी कहां कहां थोड़ी बहुत होती है, कभी सीएम रिलीफ फंड में से कुछ मिल गया, कभी डीसी ने कुछ करा दिया, कभी किसी संस्था ने करा दिया, कभी अस्पताल वाले ने थोड़ा छोड़ दिया, लेकिन सबको लाभ मिलता नहीं है और बहुत परिवार तो उस खर्च के लिए कर्ज ले लेते हैं, अपनी छोटी मोटी संपत्ति बेच देते हैं, लोगों की नौकरियां तक छूट जाती हैं। ऐसी समस्याएं इस गरीब परिवार के सामने बहुत देखने को मिलती हैं। साल 2014 से पहले प्रदेश के बीमार अस्पतालों को लेकर हर कोई फिक्रमंद होता था कि अगर परिवार का कोई सदस्य बीमारी की चपेट में आ जाता है तो उसे बेहतर स्वास्थ्य सुविधा कैसे और कहां मिलेगी। दरअसल पिछली सरकारों ने चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्था पर लंबे समय से कोई ध्यान नहीं दिया था। प्रदेश के सरकारी अस्पताल बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं से महरूम थे।
विशेषज्ञ डॉक्टर और दवाइयों की भारी किल्लत थी, लेकिन अब वक्त और हालात दोनों बदल चुके हैं। साल 2014 में प्रदेश की कमान मनोहर लाल को मिलने के बाद बीमार अस्पतालों को आईसीयू के बाहर निकाला जा रहा है। प्रदेश में कई नए अस्पताल खोले गए हैं, पुराने अस्पतालों में सभी सुविधाएं बढ़ाई गई हैं और डॉक्टरों की कमी को पूरा किया जा रहा है। दो साल के बाद हर जिले में ये मेडिकल कॉलेज के निर्माण का कार्य ये शुरू हो जाएगा और जब ये पूर्ण होगा तो आज जो डॉक्टर्स हमारे यहाँ लगभग 1800 MBBS के डॉक्टर्स का एडमिशन होता है, सबके पूरा होने के बाद 3000 डॉक्टर्स की और एडमिशन ये होंगे, जिसमें से हमारे डॉक्टर्स की संख्या जो आज निश्चित रूप से बहुत कम है, एक WHO के अनुमान के हिसाब से 1000 जनसंख्या पर एक डॉक्टर का होना ऐसा तय किया गया है, उस हिसाब से हमको 28000 डॉक्टर चाहिए। अभी तक हमारे पास मात्र 13000 डॉक्टर्स हैं, तो ये 28000 डॉक्टर के लिए हमने जो नए बनने वाले डॉक्टर हैं उनको भी एक निवेदन किया है, एक अपील की है कि कम से कम 5 वर्ष सरकारी नौकरी में वो अवश्य रहें ताकि हमारे डॉक्टर की जो संख्या है उसको पूरा किया जा सके। प्रदेश में अस्पतालों की मनमानी किसी से छिपी नहीं थी, जिसकी कीमत कई बार लोगों को अपनी जान गंवा कर चुकानी पड़ती थी और ये किसी भी प्रदेश के लिए शर्मनाक है। ऐसे में मनोहर सरकार की ओर से कई कड़े कदम उठाए गए हैं। जो अस्पताल पहले अपनी मनमानी के लिए जाना जाता था, आज वो मरीजों का हमदर्द बनकर इलाज कर रहा है। अस्पतालों में साफ सफाई और डॉक्टरों की लापरवाही बड़ी समस्या थी। कई बार मरीजों की ओर से इसे लेकर शिकायतें भी सामने आती थी। मरीजों की शिकायत होती थी कि वो इलाज के लिए अस्पताल पहुंचते हैं, लेकिन अस्पतालों की गंदगी उन्हें एक नया रोग दे देती है और इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं था। डॉक्टर और मरीज के बीच एक गहरी खाई बनती जा रही थी, कई बार तो मारपीट तक की नौबत आ गई। लेकिन अब मनोहर नीतियों की वजह से सरकारी अस्पतालों के प्रति लोगों का भरोसा बढ़ा है। कैसा लगा यहाँ उत्तर में उपचार में? सही है सर, अच्छी फैसिलिटी है, टाइम टू टाइम वर्क होता है। तो किस प्रकार की सुविधाएं मिली हैं आपको, कोई परेशानी? इसमें सर एक्सरे वगैरह फ्री हुआ है और जो टेस्ट वगैरह हैं वो भी PL के अकॉर्डिंग मतलब फ्री होंगे। हमें तो इसे मेडिसिन चाहिए थी तो मेडिसिन हमें बहुत जल्दी मिली, कोई दिक्कत नहीं, सारी मेडिसिन मिल अवेलेबल थी। आपको बता दें कि पंचकूला का नागरिक अस्पताल देश का एकमात्र ऐसा अस्पताल है जहां मरीजों की भारी भीड़ को देखते हुए सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक OPD की सुविधा दी जा रही है और इस 12 घंटे के दौरान OPD में डॉक्टर मरीजों के इलाज के लिए तैनात रहते हैं। हर विभाग के स्पेशलिस्ट डॉक्टर मरीजों की सेहत का ख्याल रखते हैं। अस्पताल में इलाज समेत सभी तरह के टेस्ट मुफ्त में होते हैं। बुजुर्गों की सुविधा के लिए अस्पताल प्रशासन की ओर से विशेष व्यवस्था की गई है। नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई, हम इमरजेंसी में आए थे कल, बट पेशेंट मम्मा मेरे सीरियस थे तो ICU में शिफ्ट कर दिया। क्या क्या सुविधाएं? सर दवाई टाइम से मिलती है, सब कुछ टाइम से है। संतुष्ट तो पूरे ही हैं जी, आज तो पंजाब से भी सारे केसेस आते हैं, डेराबस्सी के आते हैं, डकोली बल्टाना सारा इलाका ही हमारे पास आ रहा है। अब तो ICU की सर्विसेज भी काफी अच्छी हो चुकी है, तो पेशेंट्स का रिस्पांस तो अच्छा है जी। हरियाणा में कई ऐसे सरकारी अस्पताल हैं जहां बेहतर इलाज की सुविधा को देखते हुए पड़ोसी राज्यों से भी मरीज पहुंचते हैं और इसे ही प्रदेश के लिए मनोहर दिन कहा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। प्रदेश में डॉक्टरों की हड़ताल भी एक बड़ी समस्या थी। विभिन्न अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टर अपनी मांगों को लेकर आए दिन हड़ताल पर होते थे। डॉक्टरों की इस लापरवाही का खामियाजा कई बार मरीजों को अपनी जान देकर चुकाना पड़ता था। ऐसे में प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस समस्या से निजात पाने के लिए डॉक्टरों से बातचीत कर रास्ता निकाला, ताकि अस्पताल में आने वाला हर मरीज भले ही दर्द के साथ आए लेकिन अस्पताल से मर्ज का इलाज और चेहरे पर मुस्कान लेकर लौटे। प्रदेश सरकार की ओर से आवाम को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने की प्रतिबद्धता की सराहना आज पूरे प्रदेश में हो रही है। प्रदेश की मनोहर सरकार अपने कर्तव्य और वादे को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित है और ये मनोहर सरकार के काम करने के तरीके और जनहितैषी फैसलों में साफ झलकता भी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दावा है कि अस्पतालों में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को मुफ्त चेकअप और दवाइयां लेने में किसी तरह की परेशानी नहीं हो रही है, जबकि पहले इन्हीं कामों के लिए मरीजों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ती थी। अब हरियाणा सरकार की ओर से समय समय पर लोगों में जागरूकता भी फैलाई जाती है,
ताकि प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा सरकारी अस्पतालों से स्वास्थ्य लाभ ले सके। साथ ही उन लापरवाह अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई भी की जा सके जो अपने कर्तव्य के प्रति सजग नहीं है। यहाँ आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सरकार के पास कई बार ऐसी जानकारी होती थी कि सरकारी अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टरों की प्राइवेट दवा दुकानदारों से मिली भगत है, जिस वजह से मरीजों को बाहर से दवाइयां खरीदने के लिए मजबूर किया जाता था। इसे आप कुछ इस तरह समझ सकते हैं कि सरकारी डॉक्टर इलाज के नाम पर मरीजों को वो दवाइयां लिखते थे जो अस्पताल में उपलब्ध ही नहीं होती थी, जिसकी वजह से मरीजों को बाहर से दवा खरीदनी पड़ती थी। बदले में प्राइवेट दवा दुकानदार डॉक्टरों को कमीशन देता था और इसका असर आम आदमी की जेब और सेहत दोनों पर पड़ता था। लेकिन प्रदेश के स्वास्थ्य महकमे की सख्ती के बाद कमीशनखोरी के इस गोरख धंधे पर काफी हद तक रोक लगी है, जिसका सीधा लाभ गरीबों को मिला है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पास इस बात की शिकायतें आ रही थीं कि सरकारी अस्पतालों में काम करने वाले चंद डॉक्टर पैसों के लालच में अस्पताल के बाहर या तो अपना निजी क्लिनिक चला रहे हैं या फिर किसी प्राइवेट अस्पताल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे डॉक्टरों पर सरकार की ओर से लगाम लगाया जाना बेहद जरूरी था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ऐसे डॉक्टरों पर शिकंजा कसा है। हाँ, मुझे लगता है सर कि सब चीजें अवेलेबल हो जाती हैं। अगर मैं मेडिसिन की बात करूँ, जो गरीब तबके के लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से पहुँचते हैं, तो उन्हें मेडिसिन भी प्रोवाइड की जाती हैं। जैसे हम बड़े हॉस्पिटल्स में जाते हैं, वहाँ पर आपको स्लिप कट करवानी पड़ती है जो कि 200, 300, कहीं जगह 500 तक की होती है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ 5 से 10 रुपए की एक स्लिप रहती है और मेडिसिन भी आपको अवेलेबल हो जाती है। डॉक्टर्स भी बहुत मतलब अच्छे से आपको जो है अपने देखते हैं, इलाज करते हैं। तो मुझे लगता है अच्छा काम किया जा रहा है गरीब तबके के लिए, मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के विजन और स्वास्थ्य मंत्री अनिल के अथक प्रयासों की वजह से पिछले 8 सालों में स्वास्थ्य सुविधाओं की तस्वीर बदल गई है। आज प्रदेश का हर अस्पताल सेहतमंद है, जिसकी बदौलत मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल रही है। लेकिन जब बात अस्पतालों की हो रही है तो भला प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी को कैसे भूला जा सकता है। हरियाणा की आर्थिक नगरी गुरुग्राम, फरीदाबाद या फिर सोनीपत, यहाँ निजी अस्पतालों की मनमानी जग जाहिर थी। कई भुक्तभोगी तो इसे प्राइवेट अस्पतालों की गुंडागर्दी कहते थे और ये सिलसिला हर बीतते दिन के साथ आगे ही बढ़ रहा था। प्राइवेट अस्पतालों की ओर से कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें मामूली बुखार, सर्दी, जुकाम पर लाखों का बिल थमा दिया जाता था, जिसका खामियाजा सिर्फ और सिर्फ मरीजों को भुगतना पड़ता था। मनोहर सरकार ने इस पर सख्ती दिखाई और ऐसे प्राइवेट अस्पताल पर कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने को लेकर 73 तरह के निःशुल्क जांच किए जा रहे हैं। 21 विभिन्न प्रकार की दंत चिकित्सा के साथ 231 तरह के ऑपरेशन मुफ्त किए जा रहे हैं। प्रदेश के सभी जिला नागरिक अस्पतालों में ई उपचार प्रबंधन और सूचना प्रणाली शुरू की गई है। इस प्रणाली के तहत रोगी पंजीकरण, इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड और अन्य सहायक इकाइयां शामिल हैं। प्रदेश की वर्तमान सरकार की बड़ी उपलब्धि शिशु मृत्यु दर में कमी भी है। वहीं सरकारी अस्पतालों में डेंगू जैसी खतरनाक बीमारी से निपटने के लिए सभी जिला अस्पतालों में मुफ्त उपचार सुविधा उपलब्ध है। साथ ही बीपीएल परिवारों के लिए प्लेटलेट्स भी मुफ्त उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। यही नहीं, हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य है जिसमें परिवार नियोजन के उपलब्ध साधनों में गर्भ निरोधक टीके को सर्वप्रथम शामिल किया गया है। साथ ही हरियाणा देश के उन चुनिंदा 4 राज्यों में शामिल है जहां टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत रोटा वायरस वैक्सीन की निःशुल्क शुरुआत की गई है। प्रदेश में काम कर रहे डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष की गई है। स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर मनोहर सरकार की इस नीति से हजारों गरीब परिवारों को नई जिंदगी मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। मानवता के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने टीबी मुक्त हरियाणा का लक्ष्य तय किया और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हर संभव कोशिश जारी है। बीमार अस्पतालों को दुरुस्त कर बेहतर सुविधा दी जा रही है, डॉक्टरों की कमी पूरी की जा रही है, अस्पतालों में नए नए उपकरण लगाए जा रहे हैं, गरीबों को मुफ्त में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है और इसके साथ साथ लोगों में जागरूकता भी फैलाई जा रही है ताकि हरियाणा टीबी मुक्त प्रदेश कहला सके। हमारे साथ विकासशील हरियाणा में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।